बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर रामलीला मैदान में महाजनसभा का आयोजन किया गया। यह महाजनसभा शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित की गई। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि लोगों ने लगातार अपनी सुविधाओं के चलते पौड़ी से पलायन किया है, लेकिन शहर के बाकी लोग पलायन नहीं करें, इसके लिए सरकार को यहाँ के लोगों के लिए बेहतर सड़क और पर्यटन की सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। पौड़ी एकमात्र शहर है जिसे पर्यटन नगरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन पर्यटन के रूप में इसे स्थापित करने में सरकार कामयाब नहीं रही है। उन्होंने कहा कि जब तक यहां पर बेहतर सड़कें, होटल और पर्यटकों का आना नहीं होगा, तब तक इस शहर में स्थानीय व्यापार नहीं चल पाएगा, जो कि यहाँ की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। सवाल पौड़ी से पलायन का नहीं है, पलायन एक प्रक्रिया है, वो पूरे देश भर में है, ऐसा नहीं है कि यहीं हो, लोग जा रहे हैं तो लोग आ भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जिस जगह पे लोग आ रहे हैं उनको जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो सुविधाएं मिल भी पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। पौड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनका भी अभाव हो रहा है, उनका टोटा होता जा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि पौड़ी जो आंदोलन की नगरी रही है, 30 साल बाद किसी नगर के मुद्दे को लेकर पहली बार लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि इसमें सामूहिक समझ के साथ जी, ये कविता की लाइन गढ़वाली में कि धार पूजा चा गाढ़ पूजा, धार पूजा चा गाढ़ पूजा, खाट उकचा चा देवता न चा, धार पूजा चा गाढ़ पूजा, खाट उकचा चा देवता न चा, भलुपुर खेल कन भी रचा, पर पौड़ी बचा, पौड़ी बचा, पौड़ी बचा, पौड़ी बचा। और आज इस महासम्मेलन की जो शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की है, इसमें तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई भी संगठन हो, एक मंच, साझा मंच के तहत यहाँ पे एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। और पौड़ी की विभिन्न समस्याओं से जो पौड़ी के नागरिक जूझ रहे हैं, उनके निस्तारण के लिए हमने एक अलग जगाने की कोशिश की है।